चलो यहां तो फॉर्मूला बताया था, लेट्स लुक हियर। तो लॉजिक बिहाइंड द अप्रोच, लॉजिक बिहाइंड द अप्रोच, क्या लॉजिक है? तो देखिए स्टूडेंट, मैं आप छोटे से एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे सिक्स हो गया, तो हमने सिक्स के फैक्टर्स लिखे 1, 2, 3, 6, है ना। फैक्टर्स ऑफ सिक्स आर 1, 2, 3, 6। अब अगर मैं सिक्स को प्राइम फैक्टराइज करता हूं, क्या करूंगा, सिक्स को प्राइम फैक्टराइज करूंगा, तो ये बनता है 2 का पावर 1 × 3 का पावर 1, 2 का पावर 1 × 3 का पावर 1। अब अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि बताइए 2 के पावर 1 का कितना फैक्टर्स है, मतलब ये जो प्राइम फैक्टराइज किया हो ना, तो ये जैसे 2 का पावर 1 दिख रहा है, इसके कितने प्राइम फैक्टर्स है, इसके कितने प्राइम फैक्टर्स है? अरे अब इसके कितने प्राइम फैक्टर्स है? 2, राइट। कौन कौन से लिखते हैं ऊपर, 1 और 2। अच्छा, इसके इसके क्या होंगे, इसके होंगे 1 एंड 3, राइट। इसके होंगे 1 एंड 3। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि 6 को हमने 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 2 के किसी भी फैक्टर को 3 के किसी भी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 6 का फैक्टर होगा या नहीं होगा? सवाल फिर से सुनो, अगर हम 6 को फैक्टराइज कर रहे हैं एंड अगर हमको 2 × 3 मिल रहा है, तो माई क्वेश्चन इज कि अगर हम 2 को फैक्टराइज करें एंड 3 को फैक्टराइज करें और 2 के फैक्टर्स और 3 के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, तो क्या उससे भी कुछ फैक्टर्स मिलेंगे 6 के लिए? क्या उससे भी कुछ फैक्टर्स मिलेंगे 6 के लिए? मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ये देखो, ये वाले 1 को इस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस वाले 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इस वाले 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एंड फाइनली इस वाले 2 को अगर हम इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जरा नोटिस करो, तो 1, 2, 3, सॉरी सॉरी यहां पे 3 आ रहा है, 3 नहीं होगा ना, इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है। तो अल्टीमेटली 2, 1, 6, 3, क्या वो चारों फैक्टर निकल गए, क्या वो चारों फैक्टर निकल गए, निकल गए, राइट। तो फिर से जो चीज मैं समझाना चाहता हूं, मैंने क्या किया, मैंने लिखा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, मैंने क्या किया, मैंने लिखा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, फिर क्या किया स्टूडेंट, तो अब 2 के फैक्टर्स को लिखा है एंड 3 के फैक्टर्स को लिखा है। जब 2 के फैक्टर्स को लिखा तो 1, 2 हो रहा था, 3 के फैक्टर्स को लिखा तो 1, 3 हो रहा था। मैंने बोला कि क्योंकि 6 जो है वो 2 × 3 बन रहा है, तो 2 का कोई भी फैक्टर को 3 के कोई भी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो भी 6 का फैक्टर होगा, और उसी के जितने पॉसिबिलिटीज है वहां से आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बन के आएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 आया। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब यहां से 2 और 3 वाले से 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। तो ये लॉजिक से इसको अप्रोच किया गया। हाँ राहुल, बताओ राहुल। नहीं सर, कुछ नहीं सर, पहले का ही है। अच्छा, हाँ ओके सर, अगर यहाँ पे 2 का पावर 1 रखे तो ये केस बन रहा है, अगर 2 का पावर 2 रखे तब क्या होगा? एक वो कर ही लेते हैं, अगला क्वेश्चन वही दे देते हैं, ठीक है, सबको पता चले। तो स्टूडेंट जैसे अभी टॉपिक कह रहा था, अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 12 की बात करें, मेरे को बताइए तो 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 6 फैक्टर्स निकल कर आए क्या, 6 फैक्टर्स। अब मैं क्या करूंगा,
मैं 12 को कर रहा हूँ फैक्टराइज, तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, ओके। अब जरा ये बताओ कि 2 के पावर 2 के कितने फैक्टर्स होंगे, इसके तो एक होगा 1, एक होगा 2 का पावर 1 और एक होगा 2 का पावर 2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 और दूसरा होगा 3 का पावर 1, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस वाले 1 को इस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 1। इसी 1 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 3। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 2 to the power 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 2। और इसी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, तब आएगा मेरे को 6। एंड इस वाली 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 4। और इस वाले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 12। तो जरा देखिएगा कि क्या मेरे को सारे वो मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या वो सारे केसेस मिल गए क्या स्टूडेंट्स, क्या वो सारे केसेस मिल गए, टेल मी यस और नो। Did I get all the cases here? I am getting all the cases. So, what is our learning? Our learning is कि ultimately sir आप क्या कर रहे हैं? तो आप देखें कि 2 का power 2 के 3 factors हैं। 2 का power 2 ध्यान से देखो। अब आप समझो यहाँ। इसके कितने factors हैं? इसके मेरे को जल्दी से chat में बताओ। इसके कितने factors हैं? जल्दी से चैट में बताओ। आई वॉन्ट यू गाइस टू पार्टिसिपेट। कितने फैक्टर्स इसके? 3। परफेक्ट। इसके कितने फैक्टर्स हैं? 2। 3 × 2 कितना हो रहा है? 6। यहां से हर एक फैक्टर के लिए इधर 2 फैक्टर प्रेजेंट था, तो अगर यहां 3 फैक्टर है तो टोटल 3 × 2 6 फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहां पे वो लॉजिक देख सकते हो। यहां कितने फैक्टर्स हो रहे थे? 2। यहां कितने फैक्टर्स हो रहे थे? 2। 2 × 2 कितना हुआ? 2 × 2 हुआ 4। सो द पॉइंट इज, लॉजिक क्या है इस फॉर्मूले का या अप्रोच का? तो लॉजिक ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो प्राइम फैक्टर्स के जो फैक्टर्स है ना उनको आप दूसरे प्राइम फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर का फैक्टर्स निकल कर आता है। और इसी लॉजिक से ये अप्रोच निकाला गया है, ठीक है? तो ये मैंने बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया है। अब इस पे सवाल क्या क्या पूछा जाता है, तो पहले तो आपसे एक सवाल मैं करता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 500। चलो हरी अब, 500 के कितने अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं? पीपीटी इसीलिए नहीं बनाई ना क्योंकि तबियत सही नहीं थी और डिड नॉट गेट द टाइम। इनफैक्ट मैंने सुबह की 12th की क्लास को अभी पोस्टपोन किया, उनको मैं शाम को लूंगा। आपकी क्लास तक मेरे को दवाई का थोड़ा असर दिखने लग गया, तो ओके। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस है ना, ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट्स एक बार। दीज आर द 3 क्वेश्चंस। ट्राई कीजिए, 2 मिनट के लिए मैं आता हूं।
ओके तो आई थिंक जो 500 वाला जो सवाल है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन 500 वाला जो है, 500 को फैक्टर किया होगा आपने, तो ये 25 × 20 आता है ना, 25 × 20, इनफैक्ट 5 का क्यूब 125 × 4, मतलब 2 का पावर 2, तो यहां से आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, यहां से नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे 3+1 × 2+1, तो ये हो गया 4 × 3 = 12, ये हो गया 4 × 3 = 12। नेक्स्ट, अब बात करते ऑड फैक्टर्स का, तो अभी शायद लोग सोच रहे होंगे, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम लगाओ, थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा, 1 मिनट, सही है हर्ष आपका आंसर सही है, मृगम थोड़ी सी गलती हो रही है, राहुल सही है, शुभम गलत है, सेकेंड वाले का आंसर, सेकेंड वाला कितने ऑड फैक्टर्स होंगे, विवांशु परफेक्ट, वेरी गुड, ओके सुनिए, ऑड फैक्टर्स क्या होगा, तो यहां पे जो आपके लिए लर्निंग होने वाला है, ऑड फैक्टर्स विल कम फ्रॉम ऑड नंबर्स, कहां से मिलेगा आपको, आपको ये मिलेगा ऑड नंबर से, ऑड प्राइम नंबर से, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर से। तो अब जैसे कि ये वाला लॉजिक कोई नहीं लगाएगा कि 12 फैक्टर है तो आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे, ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी वेरीफाई करना है आप लोगों को तो आप इस लॉजिक को यहाँ पे चेक कर सकते हो, हमने जो कुछ क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए हैं, हाँ जैसे कि ट्वेल्व, ठीक है, ये देखो 12 के कितने, 12 के 6 फैक्टर्स आ रहे थे, उन 6 फैक्टर्स में से 4 इवन था और 2 ऑड था, तो ये लॉजिक कोई नहीं लगाएगा कि जितने भी हैं उसको हाफ ऑफ कर देंगे, ठीक है, मुझे 4-5 लोगों के रिस्पॉन्सेज आए ये लेकर, तो ऑड फैक्टर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ऑड प्राइम नंबर से मिलेगा, मतलब कि जो 500 है तो 500 में 5 का क्यूब × 2 का स्क्वायर हो रहा है, अब आपको ये कंसिडर करना है, आपको ये कंसिडर करना है क्योंकि इसका बेस 5 है, बिकॉज बेस इज ऑड, ये वाला रिजेक्ट करना है बिकॉज बेस इज इवन, ओके, सो अब आपको ऐसे देखना है कि 5 to the power 3 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो 5 to the power 3 के 4 फैक्टर्स होंगे, तो अगर इसके 4 फैक्टर्स होंगे ना तो 500 के भी कितने फैक्टर्स होंगे, 500 के भी 4 ही ऑड फैक्टर्स होंगे, 500 के भी 4 ही ऑड फैक्टर्स होंगे, क्लियर, क्यों समझ रहे हो, याद कीजिए मैंने आप लोग को जो थोड़ी देर पहले जो अप्रोच सिखाया था, उस अप्रोच को जरा इधर लगाइए सर, अगर आप इसके फैक्टर्स को लिखोगे तो 1 आएगा, 5 आएगा, 25 आएगा, 125 आएगा, और अगर आप इसके फैक्टर्स को लिखते हो तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, अब आप ही बताओ अगर मैं यहां से कोई भी नंबर को, 1 को छोड़ के कोई भी नंबर को यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मेरे को ऑड फैक्टर दे रहा है कि इवन फैक्टर दे रहा है, मुझे ऑड फैक्टर दे रहा है कि इवन फैक्टर दे रहा है, बताता हूँ, वो एक एग्जांपल से बता देता हूँ, मधुरेन इवन फैक्टर्स दे रहा है, राइट, इवन फैक्टर्स दे रहा है तो ये मेरे को इग्नोर करना पड़ेगा, इसीलिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 500 ये कितना हो जाएगा,
ये होगा चार, ये होगा चार, ठीक है। एंड फाइनली नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने का हमेशा टेक्निक क्या रहता है, सबसे आसान, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल चुके हो ऊपर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स भी निकाल चुके हो, तो बचेगा कौन? अगर जैसे 12 हो गया तो 12 के केस में दो ऑड फैक्टर था, तो बाकी चार कौन होंगे? बाकी चार इवन फैक्टर होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को आपको माइनस करना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा कितना निकल कर आया था? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा निकल कर आया था 12, वो निकल कर आया था 12, और उसमें ऑड फैक्टर्स कितने थे? चार। तो 12 माइनस चार कितना हो जाएगा? 12 माइनस चार हो जाएगा 8, ठीक है, 12 माइनस चार हो जाएगा 8। आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर, कोई डाउट है किसी को? बताइए, एनी डाउट्स? यस फकीर, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहां तो एक ही ऑड वाला था, अगर दो ऑड वाला होगा तो क्या है, है ना सर? हाँ सर, इन केस अगर आप पहले ऑड लिए और इन केस अगर आप पहले इवन निकाल लेते तो बाद में ऑड उसी तरीके से निकालेंगे। इवन निकालने में ज्यादा हेडेक है, ठीक है, इवन को निकालने में ज्यादा हेडेक है, ऑड इसीलिए जो अप्रोच होता है वो अप्रोच में हम लोग पहले ऑड निकालते हैं, बिकॉज इट्स इजियर। देखो ऑड क्यों इजी होता है, क्योंकि ऑड फैक्टर सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब आप दोनों साइड से ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जबकि इवन इवन फैक्टर कब मिलता है? इवन तब भी मिलेगा जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे, दोनों में से कोई एक इवन है तो भी मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट इवन आता है, और अगर दोनों इवन है तो भी मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट इवन ही आता है। यस, हाँ जी विवेक सर, जैसे और निकाले तो हम अगर पहले इवेंट निकालना चाहेंगे तो उसका भी कोई मतलब तरीका है, बट मेरा पॉइंट है कि उस पर दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। देखो ऑड कब बनेगा? जब आप इधर से ऑड नंबर को उठा के उधर के ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। इवेंट कब बनेगा? जब बाकी सारे केसेस में इवेंट बनेगा। तो बेटर हमारे लिए क्या है? बेटर है कि ऑड पहले कैलकुलेट करो और बाकी फिर इवेंट वाला देखो, ठीक है? ओके सर। अब जैसे मैं एक छोटा सा सवाल देता हूँ, क्वेश्चन, इफ एन इज इक्वल टू 2 to the power 10 इंटू 3 to the power 5 इंटू 5 to the power 15 इंटू 7 to the power 2, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं, फिर से वही सारा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, जल्दी से बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? तीन लोगों का आंसर आया है, सबने अलग अलग दिया है, शायद राहुल का आंसर ही सही है, राहुल और विवेक का आंसर सेम आया है, विवांशु मधुरेंद्र दोनों का आंसर अलग अलग आया है, पंकज का भी आंसर वही आया है, ठीक है फिर तो यही आंसर होना चाहिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपका आंसर आएगा 3168, ठीक है, आपका आंसर आएगा 3168। अच्छा, अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स का जरा बताइएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स का बताइएगा। वेरी गुड हर्ष, ओके तो अब अगर हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को देखते हैं, अब अगर हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को देखते हैं स्टूडेंट्स,
तो ऑड में क्या होगा समझो, तो ऑड में किसको इग्नोर करना है बताओ, तो इसमें से किसको इग्नोर करना है, स्क्रीन पे मार्क करके बताओ कौन से चीज को इग्नोर करना है। टू को पूरा इग्नोर कर दो, ठीक है, टू को पूरा इग्नोर कर दो। तो टू को पूरा इग्नोर करोगे तो फिर जानते हो क्या बचेगा या फिर आपको क्या चेक करना होगा, तो आपको चेक करना होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इनफैक्ट सीधा टू को इग्नोर करो, थ्री के ऊपर पावर कितना है 5+1, 5 के ऊपर 15 तो 15+1, 7 के ऊपर पावर 2 है तो 2+1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ रहा है 288, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 288। समझ में आया सबको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक देखो स्क्रीन पे देखो, इसको इग्नोर कर देना, इसको इग्नोर कर देना, बाकी के फैक्टर्स निकालना, बाकी तो सारे ऑड नंबर्स है ना। अब अगर बाकी सारे ऑड है तो ऑड का ऑड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी ऑड ही आएगा, ऑड का ऑड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी ऑड ही आएगा, ठीक है। तो वहां से जाकर हमको सारे ऑड फैक्टर्स मिलेंगे। इसमें कोई डाउट किसी भी तरीके का, किसी को कोई डाउट है, किसी को Then, even factors. तो even factors का मैंने आप लोगों को क्या बताया था, even factors का मैंने आप लोगों को बताया है कि total number of factors में से हमको क्या करना होता है, odd minus करना होता है। तो 3168 में से क्या minus करेंगे, 3168 में से 288 minus करेंगे, ठीक है। तो ये जाकर 2880 बन जाएगा, तो ये जाकर 2880 बन जाएगा। सबका गाइस आप जिनमें जिन जिन लोगों को इवन फैक्टर निकालना आप निकालो, टाइम बर्बाद करो। माय पॉइंट इज आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। इवन फैक्टर में ज्यादा हेडेक है, हाँ मधुरेन, अगर इसी क्वेश्चन में इवन फैक्टर निकालना हो तो इसमें तो सर सिर्फ 2 का पावर ही 10 दिख रहा है, इवन तो एक ही दिख रहा है, तो प्रोसेस तो हम लोग का सेम ही होगा ना, तो 10 से 10+1 उस फिर मल्टीप्लाई कर, फिर वो सोच नहीं पा रहे हो तुम कि यहां का 2 का पावर 10 से कुछ भी उठा लो, उसको 3 का कोई भी पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो उधर से प्रोडक्ट क्या आएगा, क्या सर इधर से इवन ऑड आएगा सर, नहीं नहीं वो 2 इवन है ना, इवन आएगा सर, इवन आएगा है कि नहीं, जैसे इसमें से कुछ भी उठा लिया, मान लो यहां से आपने 2 का पावर 5 उठाया और यहां से आपने 3 का पावर 3 उठाया, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो खाली 11 आंसर नहीं ना होने वाला, अगर आप 11 का हिसाब सोच रहे हो तो 11 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 11 तो आपके आपने 2 का पावर 10 के फैक्टर्स देख रहे हो, लेकिन पूरे प्रोडक्ट का इवन फैक्टर अगर हम देखें तो इवन कब बनेगा, जब यहाँ का कोई एक चीज को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी इवन बनेगा। तो इसीलिए सिंपल सी चीज, आप लोग खुद दिमाग लगाओ, मैंने आपको इट्स लाइक कि मैंने सारी चीजें बता दी हैं, अब आप खुद दिमाग लगा के कर सकते हो कि आखिर यहाँ पे इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। बाकी यही होगा कि आपको एक बार ऐसे सोचना है कि 2 का पावर 10 के लिए क्या होगा, 2 का पावर 9 के लिए क्या होगा, 2 का पावर 8 के लिए क्या होगा, इस तरीके से आपको सोचना है। एंड अगर आपको कहीं पे भी इवन फैक्टर्स निकालने के लिए देता है, ऑड फैक्टर्स नहीं दे रहा, तो भी आप बताइए आपके लिए ज्यादा इजी क्या है, ऑड फैक्टर निकालो टोटल फैक्टर्स में से माइनस कर दो। माइनस करने के अलावा हम 2 to the power 0 को छोड़ के मल्टीप्लाई कर सकते तो ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमको इसमें से अगर देखा जाए हर्ष तो हमको 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, .. 2 का पावर 10, तो ये हटाना पड़ता है क्योंकि ऑड होता है, लेकिन बाकी ये सारे क्या है, बाकी सब ये इवन नंबर्स है, तो इनको इनके किसी भी फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमको इवन ही मिलेगा, ठीक है। तो अब ये क्योंकि 288 था तो, और ऊपर 10 केसेस है, तो हर एक केस के लिए 288 डिफरेंट केसेस दिख रहे हैं,
तो टोटल 10 केसेस के लिए हमारा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 2880 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द लॉजिक। चलो तो ये तो हो गया डन। फिर क्या आता है यार, ये तो हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स ना। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट होता था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या है, जैसे मान लो हमें पूछ बोला है राइट द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ सिक्स के फैक्टर्स का प्रोडक्ट पूछा गया है, सिक्स के फैक्टर्स का प्रोडक्ट पूछा गया। हर्ष आई विल कंटिन्यू दिस यार, आई विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन, यहाँ पे बीच में फिर नहीं तो रुक जाएगा जैसे कल रुक गया था, ठीक है, आज आज इसको कर लेते हैं, कल से प्रॉपर क्वेश्चन डिस्कशन चलेगा फिर। ओके, सो राइट द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ सिक्स। अब देखो सिक्स के जो फैक्टर्स है, सिक्स के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे निकालना है 1 into 2 into 3 into 6, मुझे ये फाइंड आउट करना है ना, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत सिंपल था, यहाँ पे हमको 36 मिल गया है ना, यहाँ पे हमको 36 मिल गया। लेकिन लेकिन अगर आपको एक सवाल दे दिया जाए कि 600 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, 600 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 600 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो मैं चाहूंगा, 600 पे तो नहीं चाहते, मैं चाहूंगा आप लोग एक बार प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 निकालो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 निकालो, और मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 निकालो। बढ़िया, मैं आपको बस एक दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी कीजिए। ओके, तो प्रोडक्ट निकाल रहे हो ना सब, ओके, 1 into 2 into 3 into 4 into 6 into 12, यहाँ पे 1 into 2 into 3 into 4 into 6 into 8 into 12 into 24। अब इसका फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला बताता हूँ और फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर वो फॉर्मूला इस पे अप्लाई कैसे हुआ या क्या लॉजिक आया, ठीक है, क्या लॉजिक आया। तो द फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन इज इक्वल टू
n का पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2. क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला बड़ा सिंपल है. कोई भी नंबर का फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो दैट इज इक्वल टू, आप नंबर को लिखना और नंबर के ऊपर पावर में क्या आएगा, तो पावर में आएगा कि उस नंबर के कितने फैक्टर्स है डिवाइडेड बाय 2. उस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं डिवाइडेड बाय 2, ये हमको करना है. ठीक है, तो मैं इसका लॉजिक बताता हूं, मैं इसका आपको लॉजिक बताता हूं. देखिए, पहले तो वेरीफाई कर लेते फॉर्मूले को कि इस पे काम कर रहा है कि नहीं. 6 पे काम कर रहा है क्या स्टूडेंट्स? यहां पे अगर हम फॉर्मूले से करें, हाँ विभांशु सर आप थोड़ा स्लाइड को नीचे करिए ना, यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर n लिखे हो जबकि वहाँ पे मल्टीप्लाई ना हो रहा है. हो गया सर. अब इसका जो फॉर्मूला है, अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो पहले आपको 6, जैसे 6 के हम फैक्टर्स का प्रोडक्ट देखना चाहते हैं. अब उसके ऊपर क्या करना है आपको, तो उसके ऊपर बाई पावर में क्या लिखना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2. तो डिवाइडेड बाय 2 तो मैंने लिख दिया, और 4 क्या है, 4 है आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स, 4 हो गया आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n. और ये कौन है आपका, तो ये आपका n है. तो देखो 4 बाय 2 कितना हो गया, 4 बाय 2 तो 2 हो गया. 6 का पावर 2 कितना होता है, 6 का पावर 2 36 होता है. और देखो यहाँ पे 36 आया हुआ है. अब देखिए, आई थिंक यहाँ पे आप लोग, अब इसका लॉजिक मैं आप लोगों को दिखाता हूं, लॉजिक समझो. ये देखो, यहां से पहला टर्म और यहां से आखिरी टर्म, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहां से पहला टर्म और यहां से आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्या वो नंबर आ रहा है, क्या वो नंबर आ रहा है जिसके फैक्टर्स थे, आ रहा है राइट. और अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, तो क्या सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्या सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है, हो रही राइट. हमको वही लॉजिक से ये भी सॉल्व होते हुए दिख रहा है. तो कितने पेयर्स बने फिर, देखो 6 के कितने पेयर्स बने बताओ, 1 × 6 = 6 हुआ, 2 × 3 = 6 हुआ, तो 6 के दो पेयर्स बने कि नहीं, और वही दोनों पेयर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर ये चारों नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 6 के दो पेयर्स भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, और 6 के दो पेयर्स को जब आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तब आएगा 36. कितना आएगा, तब आएगा 36. अब ये लॉजिक यहां पे भी चेक करते हैं कि क्या हमारे पेयर्स बन रहे हैं. तो ये देखो 1 और 12 एक पेयर बन गया, 2 और 6 दूसरा पेयर बन गया, 3 और 4 तीसरा पेयर बन गया. कितने पेयर्स बने, कितने पेयर्स बने, 3 पेयर्स बने. मतलब इसका कायदे से आंसर कितना होना चाहिए था, कायदे से आंसर होना चाहिए था 12 का पावर 3, 12 का पावर 3. और अगर मैं फॉर्मूला से देखो, अगर मैं फॉर्मूले से देखू तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 12 का पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 था, 6/2 कितना हो जाएगा, 3. तो फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है, 12 का पावर 3. एक मधुरेंद्र ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, अगर ऑड पेयर बने तो, जस्ट इस क्वेश्चन के बाद में आपको बताता हूं मधुरेंद्र, ठीक है. अरे मल्टीप्लाई तो सही कर ले मानस, 1728 है, 12 का क्यूब नहीं पता. यहां पे देखो 24 में, देखो 24 में भी ये पेयर बन रहा है, यहां पे भी पेयर बन रहा है, यहां पे भी पेयर बन रहा है, यहां पे भी पेयर बन रहा है. कितने पेयर बने, 4. कितने बने, 4. फॉर्मूले से भी अगर देखोगे तो, फॉर्मूले से अगर इसको अटेम्प्ट करोगे तो ये हो जाएगा 12 का पावर 4.
क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 है, 8 बाई 2 कितना हो जाएगा 2। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, व्हाट इफ, हाँ राहुल, ट्वेंटी फोर का ना पावर 4 होगा सर, स्लाइड सर ऊपर थोड़ा कीजिए, यहाँ सर फॉर्मूला इस पर 24 को, यस सर वही। व्हाट इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स, व्हाट इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज ऑड, इज द फॉर्मूला स्टिल एप्लीकेबल, इज द फॉर्मूला स्टिल एप्लीकेबल। तो स्टूडेंट्स आपको ना ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कहाँ मिलते हैं आपको पता है? आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स में, परफेक्ट स्क्वायर्स में। अब जैसे कि 4 हो गया, तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 के फैक्टर्स है 1, 2, 4। तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 है, 1, 2 और 4। ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे तो ये क्या बन रहा है, ये तो 4 बन रहा है, लेकिन ये बेचारा अकेला रह गया है ना, ये बेचारा अकेला रह गया। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है। एक बार चलो तो फॉर्मूला चेक करते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता था? फॉर्मूला कहता था 4 का पावर नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2, 4 का पावर नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2। अब जरा ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मधुरेंद्र क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? और बताओ तो 4 का रूट कितना होता है? 4 का रूट कितना होता है? 2, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो क्या हमको सेम आंसर मिल गया? मिल गया राइट। तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लिया जाए, मान लो मैं रखता हूं एग्जांपल में 64, ठीक है, 64 बड़ा नंबर हो जाएगा, 16 रखता हूं, 16 1 × 2 × 4 × 8 × 16। अब यहां पे अगर देखोगे तो ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 16, ये अकेला बच गया। बट अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 16 × 16 × 4 होगा। अब 16 × 16 256 होता है, 256 × 4 मतलब 1024 हो गया। अब अगर हम इसको फॉर्मूले से ट्राई करें, तो फॉर्मूले से ट्राई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 के पावर में जितने फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स है डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हम इसको 16 × 1/2 ⁵ लिख सकते हैं? 16 × 1/2 ⁵ लिख सकते हैं। अब 16 × 1/2 मतलब 16 का रूट हुआ, 16 का रूट हुआ 4, 4 × 5। अब अगर आप 4 × 5 को कैलकुलेट करोगे ना, तो 4 × 5 1024 ही आता है। कितना आता है? 1024 ही आता है। ओके, इज दिस क्लियर? समझ में आ गया होगा सबको ये चीज, कॉन्सेप्ट था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का। 1 बज गया, जल्दी से बताओ, वी हैव 20 मिनट्स, मुझे वो खत्म करना है। यस, इसका मतलब ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हो या इवन हो, ठीक है? तो लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं फिर जल्दी से। लास्ट कॉन्सेप्ट है सम ऑफ फैक्टर्स। तो अब इसको भी एक छोटे से सवाल से देखिए या फॉर्मूला से देखते हैं। तो चलो पहले मैं आपको सेम ऐसा करता हूं कि पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है?
फॉर्मूला बताकर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं आपको फॉर्मूले का लॉजिक बताऊंगा। ओके, फिर मैं आपको फॉर्मूले का लॉजिक बताऊंगा। तो फॉर्मूला है इफ कोई नंबर एन को अगर हमने प्राइम फैक्टराइज किया और वो इस फॉर्म में आ रहा है, ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर क्यू इंटू सी टू द पावर आर, देन सम ऑफ फैक्टर्स जो इसके होंगे अब क्या कहते हैं, जीपी अभी A2 वालों ने जीपी नहीं पढ़ाया ना, A2 वालों आपको मैंने जीपी पढ़ाया है? राहुल कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, नहीं पढ़ाया। राइट, अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ाया तो मैं सीधे आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फिर मैं आपको वहां ले चलता हूँ, लेट मी टेक यू टू द मॉड्यूल, का मॉड्यूल। इसमें सम ऑफ फैक्टर्स बताया नहीं है क्या? अच्छा नहीं बताया, कोई नहीं, सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा फिर आपका। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा, लेट मी जस्ट कंफर्म। ठीक है, तो अभी मैं लॉजिक नहीं एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज एक 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 बैच को नहीं पता चलेगा क्या बोल रहा हूँ। तो अभी के लिए फिलहाल इस फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है, फिलहाल इस फॉर्मूले को याद रखो। कैसे कंपेयर करना है, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्या है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये क्या देगा आपको, नीचे नीचे वाले से हमको सम मिल जाएगा, मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं उनको ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हमेशा डिवाइड होगा, हमेशा ये जो होगा ये हमेशा डिवाइड होगा, मदरिन हमेशा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं फैक्टर्स ऑफ सिक्स का, तो चलो बहुत आसान है, अभी फिलहाल थोड़ा सा 24 फैक्टर्स ऑफ 24, तो 24 के एक बार फैक्टर्स को देखते हैं।
तो 24 के फैक्टर्स है 1, पहले तो 24 के फैक्टर्स देख लेते, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, सॉरी 8 भी आएगा, प्लस 12 प्लस 24, ठीक है। जरा इसको ऐड करके बताना कितना आ रहा है, सिक्सटी आ रहा है, कुछ 56 कह रहे हैं। अच्छा, तो सम अगर मैं ऐसे देखूं, 3, 6, 10, 16, 24, 36, 60 हो रहा है, हाँ 60 हो रहा है। अब फॉर्मूले से देखते हैं, तो गाइस मेरे को जरा ये बताओ, अगर आप फॉर्मूले के साथ कंपेयर करते हो तो इसमें ए बी कौन है, फॉर्मूले के साथ कंपेयर करते हो तो ए बी कौन है, टू और थ्री राइट, एंड वो पावर में कौन है, पावर में पी और क्यू तो थ्री और वन है, तो फॉर्मूले में पुट करके सब देखो तो क्या 60 आ रहा है, फॉर्मूले में पुट करके देखो, 3 + 1 = 4 - 1 / 2 - 1 इंटू यहां पे 3 + 1 - 1 / 3 - 1 ठीक है। तो ये यहां कितना हो रहा है, ये हो रहा है 15, और यहां कितना हो रहा है तो 9 - 1 = 8, 8 / 2, तो ये अल्टीमेटली 15 × 4 हो रहा है, जो कि कितना निकल कर आ रहा है, 60 निकल कर आ रहा है। ओके, तो आंसर आ गया ना फॉर्मूले से, ठीक है, आंसर आ रहा है फॉर्मूले से, कोई दिक्कत यहां पे किसी को, राइट। तो आज की क्लास में हमने सारे फैक्टर्स रिलेटेड चीजें देखी हुई हैं, आज अब मैं क्लास को स्टूडेंट से ही एंड करूंगा, थोड़ा सरदर्द अभी भी है, कल के लिए टास्क बता देता हूं। तो हमारा 8.4 एक्सरसाइज का होमवर्क क्वेश्चंस का डिस्कशन बाकी था, अगर उसके कोई डाउट्स है, ये एडवांस वाला तो बस कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैंने पढ़ा दिया, अभी मैं इन टॉपिक्स को अवॉइड करता हूँ। एंड इसके अलावा TPP 1, तो कल का टारगेट ये होगा, TPP 1 अगर हो जाता है, अगर ये डन हो गया देन TPP 2। ओके, तो ये होगा टारगेट आप लोगों के लिए, 8.4 का डिस्कशन कल करेंगे, फिर TPP 1 एंड TPP 2। ओके, तो दिस इज इट, क्लास को एंड कर रहा हूँ, कल का लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर, ठीक है, मतलब 12:30 तक मान के चलो अपलोड हो जाएगा, ये वाला भी लेक्चर और वो वाला भी लेक्चर, ठीक है। तो ये टास्क को ढंग से कंप्लीट कीजिएगा, बिकॉज वी हैव 2 more classes इन दिस वीक, कल है परसों है, तो मैं जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि TPP 2 तक का डिस्कशन खत्म हो जाए। ओके, अगर कल की क्लास में ज्यादा काम नहीं हुआ, कल की क्लास में अगर ज्यादा काम नहीं हो तो कल शाम को एक्स्ट्रा क्लास लगेगी और ये खत्म किया जाएगा, बिकॉज जाने से पहले मेरे को ये जो टास्क आपको दिख रहा है इतना करना है। TPP 1 और 2 मिला के 50 क्वेश्चन है, वो 50 अच्छे क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे उसमें पास कर जेई क्वेश्चन पूछे हुए। ओके, मैं हर्ष उसका मैं अलग से आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है, वो नॉर्मल क्लास में डिस्कस करने वाले नहीं है। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।